के बाद भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले, 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए, और अभी भी दूसरा बात लिए। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बात किसी से भी पूछिएगा, इतना साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में हाई वोल्टेज रैलियों और सभाओं की शुरुआत हो गई है। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा में आने वाली भीड़ बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। तेजस्वी यादव 20 फरवरी से ही जनविश्वास यात्रा पर निकले हैं। पहले उन्होंने सभाएं की, मगर अब रोड शो करने लगे हैं। अखबारों में चर्चा है कि इतनी भीड़ हो जा रही है कि संभालना मुश्किल होता जा रहा है। वैशाली से समस्तीपुर जाने के रास्ते में भीड़ इतनी हो गई कि उनकी यात्रा हर जगह पहुंचने से पहले कई घंटे देर होने लगी और लोग 5 से 6 घंटे तक इंतजार करते रहे। नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार की राजनीति में कायम हैं, तेजस्वी यह भांप चुके हैं। यही समय है कि किसी नए नेता को जनता के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तेजस्वी के रोड शो में आने वाली जनता को देखकर क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिहार में 34 साल के तेजस्वी नई चुनौती बनते जा रहे हैं? बिहार की जनता तेजस्वी यादव को कैसे देख रही है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि बीजेपी इस तेजस्वी यादव को कैसे देख रही है। तेजस्वी का मुकाबला वो जनता के मैदान में करना चाहेगी या पीछे के दरवाजे से और जांच एजेंसियों के सहारे तेजस्वी को घेर कर? जिस तरह से पीछे के दरवाजे से बीजेपी नीतीश कुमार के साथ आ गई, सत्ता में आ गई और तेजस्वी को बाहर निकाल दिया गया, उससे साफ है कि अपने सबसे प्रभावशाली दौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 34 साल के इस युवा से जनता के मैदान में नहीं लड़ सके। उन्हें बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो सड़कों पर उतरकर तेजस्वी यादव की तरह समर्थन जुटाकर दिखा देता। पिछले दरवाजे से सरकार में आने का खेल कुछ और होता है और निश्चित रूप से इसमें नरेंद्र मोदी काफी आगे हैं। लेकिन यह भी सही है कि 2014 के बाद की राजनीति में नरेंद्र मोदी की तूती बोल रही है। हिंदी प्रदेशों में उनका एक छत्र प्रभाव कायम हुआ है। इसके बाद भी उन्हें बिहार में वैसी कामयाबी नहीं मिल सकी जैसी यूपी में मिली है। बिहार में बीजेपी दरवाजे के पीछे से लड़ती नजर आती है और हर बार बेदखल होने के बाद भी तेजस्वी सामने से लड़ने चले आते हैं। बार तेजस्वी कुछ नया करते लग रहे हैं। हवा में हाथ घुमाते ही जनता भी हाथ घुमाने लग जाती है। तेजस्वी पहले ऐसा नहीं किया करते थे, मगर इस बार की सभाओं में उनका हवा में हाथ घुमाना अपने आप में राजनीतिक स्लोगन बन चुका है। जनता इंतजार करती है कि तेजस्वी कब हवा में हाथ घुमाएंगे और वह भी साथ साथ दोहराएगी। इस एक करतब से वहां मौजूद जनता और नेता के बीच संवाद और रिश्ता स्थापित हो जाता है। इसके लिए माइक की जरूरत नहीं पड़ती ना नारों की। आमतौर पर रोड शो में स्थायी रूप से लाउडस्पीकर नहीं होते हैं, व्यवस्थित रैलियों की तरह सभी तक आवाज नहीं पहुंच रही होती है। हो सकता है कि हाथ घुमाकर तेजस्वी ने अपनी बात पहुंचाने का कोई नया तरीका निकाला जो लोगों को दिखाई भी दे रहा है और लोग भी हवा में हाथ घुमाने लग जाते हैं। तेजस्वी का गला बैठ चुका है। हाथ घुमाकर तेजस्वी यह बताना चाहते हैं कि वे बीजेपी से लड़ सकते हैं, उनकी सभा में आई जनता बीजेपी से लड़ सकती है। तेजस्वी बीजेपी और जदयू को हवा में इस तरह हाथ घुमाकर उखाड़ कर फेंक सकते हैं।
राजनीतिक दल अपने विरोधियों को कई तरह से चुनौतियां देते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में बीजेपी और जदयू का आधार इतना भी कमजोर नहीं कि तेजस्वी हवा में हाथ घुमाकर उन्हें उखाड़ फेंके। बिहार की लड़ाई का पलड़ा अभी भी बीजेपी और जदयू की तरफ ही झुका है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिहार में बीजेपी का कोई भी नेता तेजस्वी की तरह रोड शो कर सकता है, जनता के बीच जाकर इस तरह तेजस्वी को ललकार सकता है। इसके बाद भी तेजस्वी का हवा में हाथ घुमाना एक नई राजनीतिक देह भाषा का रूप लेता जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष हताश, निराश और परास्त हो चुका है, उसके खेमे के बीच से 34 साल का एक नौजवान नेता उठ खड़ा हुआ है और चुनौती देने के अंदाज में हवा में हाथ भांज रहा है। दो दो बार बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के बाद सत्ता से बाहर कर दिए गए तेजस्वी यादव का यह जोश बता रहा है कि वे बिहार की राजनीति में टिकना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। राजनीति में नेता बहुत तेजी से पुराने होते जाते हैं, मगर अपने इन्हीं नारों और कर्तव्यों से वे खुद को नया भी करते रहते हैं। तेजस्वी का हवा में हाथ भांजने का अंदाज ठीक वैसा ही है जैसे अखाड़े में कोई नया पहलवान किसी दूसरे शहर से आ गया है। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बात किसी से भी पूछिएगा, इतना साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला है। कोई विचारधारा होनी चाहिए, कोई सिद्धांत होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन आज ना उधर जाते हैं उधर का लोग को कोसते हैं, इधर आते हैं इधर का लोग को कोसते हैं। कुछ दिन पहले भाजपा वाला क्या कह रहा था नीतीश जी के बारे में, कौन उनके साथ खड़ा था, कौन खड़ा था उनके साथ? हम लोग खड़े थे उनके साथ मिल करके 24 में भाजपा को हराते, लेकिन अब चाचा जी जो झंडा उठाए थे, अब भतीजा झंडा उठा करके भाजपा को लोक में चाचा का झंडा भतीजा उठाएगा। तेजस्वी को पता है कि उसी सामाजिक आधार से अपने लिए भी जनाधार बनाना है। पिछड़े वर्ग में नीतीश कुमार ने लंबे समय तक पकड़ बनाए रखी, मगर अब उनकी पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो चुकी है। उनका आधार या तो तेजस्वी की तरफ खिसका है या बीजेपी ने उसमें दखल बनाई है। तेजस्वी को पता है कि बचा खुचा आधार अगर उनकी तरफ आएगा तो वे बिहार में एक नया समीकरण बना सकते हैं, पार्टी को बढ़त दिला सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के प्रभाव वाले क्षेत्र में उन्होंने चाचा की राजनीति की विरासत पर अलग तरह से दावा किया। चाचा का झंडा भतीजा उठाएगा या एक राजनीतिक समझदारी भी कही जा सकती है कि वे उस वोट बैंक से नहीं लड़ रहे जो नीतीश कुमार के साथ है, बल्कि उसके नए ध्वजवाहक के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। मीडिया तेजस्वी को मुस्लिम यादव समीकरण माई के खांचे में ही देख रहा है, लेकिन तेजस्वी ने एक नया माई बाप खोज लिया है। वे माई की जगह बाप की बात करने लगे हैं, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब पुअर। माई की पार्टी है, एमवाई की पार्टी है, हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर, पुअर बता गरीब। तो ये सब ए टू जेड वाले लोग हैं, सभी बहुजन आ गए, सभी अगड़ा लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं है। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वालों तोड़ना चाहता है। तेजस्वी की सभा में दिखने वाली भीड़ क्या कोई लहर है? एक बात का ध्यान रखना चाहिए, रोड शो की भीड़ हमेशा ज्यादा होती है, मगर जितनी होती नहीं उससे ज्यादा लगती भी है। फिर भी तेजस्वी के रोड शो की तुलना अगर आप बेंगलुरु के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से करें तो काफी कुछ अंतर दिखेगा।
बेंगलुरु के रोड शो में आपको इंतजाम, वैभव, पैसे का बंदोबस्त दिखेगा। कैमरे के क्लोजअप से आप प्रधानमंत्री को लोकप्रियता के अवतार के रूप में महसूस कर सकते हैं। मगर इस चुनाव में बीजेपी कर्नाटक में हार गई थी। तेजस्वी के रोड शो में ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम इंतजाम के मामले में कोई तुलना ही नहीं बीजेपी से। लोग यहां खुद से पहुंचे हुए लग रहे हैं और उनके जोश को संभालना मुश्किल लग रहा है। सवालों और संदेह के बिना राजनीति के विश्लेषण की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। तो एक सवाल और भी है, आज की राजनीति में रैलियों में भीड़ जुटाना एकमात्र शक्ति प्रदर्शन नहीं है। राजनीति की शक्ति कहीं और है, बूथों के प्रबंधन में, उम्मीदवारों के चयन में और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने में। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां उपस्थित हैं, हम आप लोगों के बीच आए हैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, आप लोगों का समर्थन लेने के लिए। आगे लड़ाई लड़ना है तो आपसे विश्वास चाहते हैं, इसलिए जन विश्वास यात्रा में हम पूरे बिहार के जिला में जा रहे हैं। तो आपका विश्वास मिलेगा, दोनों हाथ उठा के बोलिए, ताकत दीजिएगा तो आगे का लड़ाई लड़े ना। तो लड़ाई में आप लोगों का साथ मिलेगा तो तेजस्वी आपके लिए जान बिताने के लिए मर मिटेंगे। आपकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक अंतिम मंजिल पर मुकाम पर हम ना ले जाए। क्या तेजस्वी यादव हर बूथ पर प्रबंधन के मामले में बीजेपी का मुकाबला कर सकेंगे? जैसा कि दावा किया जाता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर जाता है, क्या तेजस्वी का कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने वोटर को समझा पाएगा, मतदान केंद्र तक ला पाएगा? असली लड़ाई वहां है। फिर भी अपनी सभा में भीड़ खींचकर तेजस्वी ने इतना तो दिखाया है कि वे लड़ने के काबिल हैं। बीजेपी भी तेजस्वी की सभा को गौर से देख रही होगी, उनकी गलतियों पर नजर रख रही होगी। अभी देखना बाकी है कि बीजेपी की तरफ से कौन नेता इस तरह रोड शो पर निकलता है और तेजस्वी को चुनौती देता है। क्या इस भीड़ से यह समझा जाए कि बिहार में 34 साल के तेजस्वी के नेतृत्व में कोई नया राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है? पच्चीस फरवरी की रात 2 बजे बिहार के सुपौल जिले में जनता तेजस्वी यादव का इंतजार करती रही। तेजस्वी लगातार लेट होते जा रहे थे, लोग उनके इंतजार में घंटों खड़े रहे। रात के 10 बजे 12 बजे भी लोगों ने उनका इंतजार किया, स्वागत किया, मगर सुपौल पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए। तब भी बड़ी संख्या में लोग तेजस्वी को सुनने आए और उनमें उत्साह भी बना रहा। 25 फरवरी को तेजस्वी यादव ने 4 जिलों में रोड शो किया। वैशाली से समस्तीपुर पहुँचने में 8 घंटे लगे, दरभंगा से सुपौल पहुँचते पहुँचते रात के 2 बजे। तेजस्वी ने ट्वीट भी किया कि रात्रि 2 बजे अभी सुपौल पहुंचे हैं, रास्ते भर देर रात आप जाकर जो इतना स्नेह, समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद और विश्वास दे रहे हैं वो मेरे ऊपर कर्ज है। बिहार और उत्तर प्रदेश एक दूसरे से सटे हैं, फिर भी बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग है। यूपी में 2014 के बाद से लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी का प्रचंड वर्चस्व कायम हुआ है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्थायी नेता की तरह उभरे हैं, मगर बिहार में बीजेपी कभी नित्यानंद राय, तो कभी गिरिराज सिंह, तो कभी दूसरे दल से लाकर सम्राट चौधरी में अपना भविष्य खोजती रही। सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, आरके सिंह अपनी बारी का इंतजार करते रह गए। शायद यही वजह थी कि नीतीश कुमार के साथ कभी ना जाने की कसम खाने के बाद भी बीजेपी ने अपनी कसम थूक दी। सत्ता ही सिद्धांत है, बीजेपी ने बिहार में इसे जीकर दिखा दिया। तेजस्वी अपनी रैलियों में सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि वे इसके लिए कुर्सी छोड़ सकते हैं। राजनीति के इस खेल में गेंद हर समय किसी एक खिलाड़ी के पाले में कभी नहीं रहती। इसका मतलब यह नहीं कि तेजस्वी ने अभी बड़ी लकीर खींच दी है या उन्होंने बीजेपी को हरा दिया है। 2024 के चुनावी नतीजे बताएंगे कि तेजस्वी की इन सभाओं में आने वाली जनता में कितना दम था, कितना वोट था। लेकिन इस वक्त जो लोग आ रहे हैं उसे खारिज भी नहीं किया जा सकता।
खासकर एक ऐसी पार्टी से तेजस्वी यादव का मुकाबला है जिसके मानव संसाधन, आर्थिक शक्ति और जांच एजेंसियों की ताकत के आगे कहीं नहीं टिक सकते। आज की बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए का चंदा है। तेजस्वी यादव बीजेपी की आर्थिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी अखबार उठाकर देखिए, शहर में किसी भी पोस्टर होर्डिंग को देखिए, हर दिन या हर दूसरे दिन अखबारों के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का पूरे पन्ने का विज्ञापन छपता है। एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो तक में मोदी सरकार के ही विज्ञापन भरे नजर आएंगे। बाजार जाइए, बस स्टॉप देखिए, वहां भी आपको मोदी सरकार का विज्ञापन नजर आएगा। टीवी, रेडियो, वेबसाइट, कहीं भी विज्ञापनों की रैली में मोदी कई हजार मील अपने विरोधियों से आगे निकल चुके हैं। जितना धन बीजेपी के पास है, आज उससे मुकाबला कोई भी दल नहीं कर सकता। चारों तरफ मोदी के पोस्टर लग गए हैं, मुश्किल से विपक्षी दलों के पोस्टर नजर आते हैं। इसके अलावा गोदी मीडिया के सैकड़ों चैनल, दर्जनों एंकर दिन रात मोदी मोदी करते हैं। सब तरफ मोदी के ही दिखने के इस दौर में, विपक्ष को जरा भी ना दिखाने के इस दौर में, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सभाओं में आने वाली जनता हैरान करती है। आप विपक्ष के पोस्टर देखिए, बहुत कम दिखेगा। यह सब पैसे का भी खेल है और 6,500 करोड़ का घोषित चंदा बीजेपी के पास है। जो लोग विपक्ष को पैसे दे सकते हैं, उनके यहाँ जब तब छापे पड़ जाते हैं। अखबारों में विस्तार से छपता है कि अखिलेश के करीबी के यहाँ छापा पड़ा है, केजरीवाल के करीबी के यहाँ छापा पड़ा है। संसद में विपक्ष के नेताओं के भाषण काट दिए जाते हैं, 100 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया। विपक्ष के पास टीवी और अखबार जैसे माध्यम नहीं हैं, उनकी खबरें मुश्किल से छपती हैं, और छपती हैं तो कहीं किसी कोने में। 2019 के लोकसभा चुनाव में भयावह स्थिति थी, अखबार से लेकर टीवी तक से विपक्ष गायब कर दिया गया था। इस समय भी हर समय यही छपता रहता है कि विपक्ष कैसे लाचार है, उसके पास कोई आइडिया नहीं, दिशाहीन नहीं, भारत को लेकर चिंता नहीं। राहुल गांधी की यात्रा जब आगरा और अलीगढ़ पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग सुनने आए। लोगों के बीच पुराने जमाने की तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित किया। क्या आपको किसी अखबार में विपक्ष के इस प्रयास पर ढंग का लेख दिखा? हर तरफ छप रहे अनगिनत लेखों में यही ठेला जाता है कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, केवल आपस में लड़ता है, जनता के मुद्दे नहीं उठाता है। विपक्ष के बारे में दिन रात अभियान चलाया जाता है ताकि जनता के दिमाग से बचा खुचा विपक्ष गायब हो जाए। बार बार लिखा जा रहा है कि जहां जहां से राहुल की यात्रा गुजरी, इंडिया गठबंधन टूट गया। लेकिन क्या अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा कि इसी बिखराव के बीच इंडिया गठबंधन कई जगहों पर खड़ा भी हो गया? बिहार में गठबंधन तो नहीं टूटा जब न्याय यात्रा चल रही थी, यूपी से न्याय यात्रा निकली तो चैनलों पर चलने लगा कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। क्या उतनी प्रमुखता से उन्हीं चैनलों पर यह चला कि यूपी में इंडिया गठबंधन नहीं टूटा, दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही गठबंधन का काम पूरा हो गया? 10 साल से दिन रात मीडिया के इस खेल का लाभ केवल बीजेपी को मिल रहा है। आगरा की रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अगर यही बीजेपी की सभा होती तो सभी अखबारों में भीड़ की तस्वीर पहले पन्ने पर होती और बड़ी बड़ी छापी जाती, टीवी चैनल चीख रहे होते। चैनलों पर और अखबारों में राहुल की सभाओं का कितना कवरेज है, यह आपको भी देखना चाहिए। बिहार में कम से कम अखबारों में तेजस्वी की सभाओं का कवरेज हो रहा है, किस रूप में यह देखने की बात है। तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जा सकता है, कब तक होगा यह पूछा जा सकता है, कब कवरेज बंद हो जाए पता नहीं। लेकिन इस वक्त तक पहले पन्ने पर तेजस्वी यादव की सभाओं की खबरें नजर आती हैं। पहले पन्ने पर ही दैनिक भास्कर ने छापा है कि राजद माए ही नहीं बाप की पार्टी है। बिहार के अलग अलग अखबारों में तेजस्वी के बयान प्रमुखता से छापे जा रहे हैं। तेजस्वी की सभा में आने वाली भीड़ की खबरें हैं, मंच के टूटने से लेकर महिलाओं के इंतजार की भी रिपोर्ट आपको मिलेगी। 2014 को याद कीजिए, नरेंद्र मोदी का ऐसा ज्वार उठा कि विपक्ष के नेता जनता के बीच जाने में घबराने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते थे, उनका बयान तक नहीं आता था। आज फिर से विपक्ष के नेताओं में यह विश्वास लौटा है कि वे जनता के बीच जा सकते हैं। वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा यह एक अलग प्रश्न है। तेजस्वी यादव ने 20 फरवरी से ही जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। पहले 3 दिनों में 9 सभाएं की, कुल 16 सभाएं पहले चरण में की। उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली और रोड शो पे निकल गए।
उनका रोड शो बिहार के सभी 38 जिलों से गुजरने की कोशिश में है। अपने रोड शो में तेजस्वी 3 मार्च को गांधी मैदान की सभा में आने का आह्वान कर रहे हैं। अट्ठाईस जनवरी को बिहार में सरकार गिरी थी। 20 फरवरी को तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल गए। 2 चरणों की यात्रा में तेजस्वी बिहार के भीतर 2600 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। इस दौरान वे बिहार के कई जिलों से गुजरेंगे, गुजर चुके हैं। बक्सर, रोहतास, गया, नालंदा, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज और पूर्णिया में सभाएं करेंगे। सभाएं हो चुकी हैं। वहां से आने वाली तस्वीरों से तेजस्वी समर्थकों के अलावा विपक्ष से उम्मीद करने वाले काफी उत्साहित नजर आने लगे हैं। एक दिन में 3-4 जगहों पर तेजस्वी यादव सभाएं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। 22 फरवरी को सिवान, छपरा, आरा गए तो 24 फरवरी को गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद गए। तेजस्वी बिहार की राजनीति में नई सोच, नया बिहार बनाने के नारे के साथ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। नवादा की सभा में तेजस्वी खास तौर पर जोर देने लगे कि वे सभी के हैं, किसी के खिलाफ नहीं हैं। तो सम्मान देंगे, सबको लेकर चलेंगे, चाहे अगड़े भाई हो, चाहे पिछड़ा भाई हो, चाहे अति पिछड़ा भाई हो, हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे महादलित भाई हो या आदिवासी भाई हो, सब लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे। तो भाजपा के भगाने के बाद लोग तैयार बाड़ा के ला, तो एक बार पट्टा चला, एक बार पट्टा पहुंचिएगा तो उसी दिन से सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। तो इस बार गरीब का राज लाना है ना, इस बार अपना सरकार लाना है ना, तो आप लोग आइए, पट्टा पट्टा हम इंतजार करेंगे आप सब लोगों का। मगर तेजस्वी यादव की इन सभाओं से उत्साहित होने से पहले बिहार के राजनीतिक यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगड़ी जातियों में विश्वास बनाने के साथ साथ तेजस्वी को उन पिछड़ी जातियों में भी भरोसा हासिल करना होगा जो बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ हैं। हिंदू अखबार में अमित भेलारी ने रिपोर्ट किया है कि मुजफ्फरपुर की सभाओं में केवल यादव और मुसलमान नहीं थे, निषाद, लोहार, पासवान सहित आर्थिक रूप से कई पिछड़ी जातियों के लोग तेजस्वी के लिए नारे लगा रहे थे। इन सभाओं में युवाओं और महिलाओं की खासी मौजूदगी देखी जा रही है। अगर तेजस्वी यादव बिहार में बीजेपी को रोकने में सफल हो जाते हैं तो 2024 में तेजस्वी सबसे बड़ी कहानी बन जाएंगे, और सफल नहीं हुए तब भी अपनी इन कोशिशों से याद रखे जा सकते हैं कि सत्ता से बाहर कर देने के बाद भी उन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ी। देखिए, इस यात्रा का मैं 20 तारीख से हिस्सा रहा हूं और संभवतः मैं इतने वर्षों से राजनीति में हूं, कई जगह देखा है। ये उभार लोगों का स्वतः स्फूर्त, बल्कि भीड़ कहने का दिल नहीं करता है, मैंने नहीं देखा। तेजस्वी जी अब तक 22 जिले कवर कर चुके हैं और हर जिले में पहले सभाएं हुई, सभाओं के बाद ये तय पाया गया कि 3 तारीख की रैली की मद्देनजर अब हम रोड शो करेंगे। पटना से चल करके कल सुबह जब हम 10 बजे चले पटना से, हम सुपौल पहुंचे हैं रात्रि के 2:30 बजे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस यात्रा का व्याकरण क्या है। इसमें जो हमको सोचते थे कि हमारे जो पारंपरिक वोटर हैं, हर जाति, हर समुदाय की भागीदारी, सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की। रात में 1:30 बजे भक्तिया ही में मैंने महिलाओं को खड़ा देखा, तो ये अपने आप में एक संकेत है एक बदलाव का। देखिए, कई लोगों कहते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, ये क्या। सच तो ये है कि तेजस्वी जी ने यहां का व्याकरण बदल के रख दिया है। लोग यहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं सुनना चाहते आप, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय। नौकरी, हर रैली में नौकरी मतलब तेजस्वी, भरोसा मतलब तेजस्वी, बेहतर अस्पताल मतलब तेजस्वी। ये जो सरोकार की राजनीति है, जिसमें जो हमारे, जिसको हम कहते हैं कि उस तरह के वर्कर, स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, ममता, रसोईया, उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात हो रही है, तो मैं समझता हूं कि ये जो राजनीति में एक बदलाव आया है,
यहाँ की सभाओं में, तेजस्वी जी की भाषा में, तेजस्वी जी को जो लोग स्वीकार करते हैं, ये बदलाव लोकतंत्र के लिए उचित है, बिहार के लिए उचित है, और इसके सकारात्मक परिणाम लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव, चाहे वो जब भी हो, वो आपको बड़े पैमाने पर एक बदलाव की बयार आपको दिखेगी। 3 मार्च को तेजस्वी यादव की गांधी मैदान में सभा है, 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में सभा करने वाले हैं, 5 मार्च को पालीगंज में अमित शाह की सभा है, फरवरी के अंत में राजनाथ सिंह की भी सीतामढ़ी और दरभंगा में सभा हो सकती है। बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिनों में बिहार के लिए 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं, इनमें 70,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं होंगी। यह भी बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाकर लड़ेगी, उन्हें आगे करेगी, या सरकार अपने हाथ में लेकर नीतीश कुमार की विदाई का भी इंतजाम कर देगी। प्रधानमंत्री की रैलियों और बीजेपी के पोस्टर पर नीतीश कुमार को कितनी जगह मिलती है, जल्दी पता चलेगा। बिहार के मैदान में इस बार लड़ाई घमासान होने जा रही है। बिहार में केंद्र और राज्य की सरकार, इनके द्वारा लाखों करोड़ों की योजनाओं के सपने, हजारों करोड़ चंदे से लैस बीजेपी के सामने 34 साल का एक लड़का है और उसकी पार्टी है। सामने 73 साल के चिर युवा प्रधानमंत्री हैं, जो इस उम्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। समुद्र तल में बैठे प्रधानमंत्री के इस वीडियो को लेकर ट्विटर पर न जाने क्या क्या लिखा जा रहा है। समंदर के नीचे भी पूरा इंतजाम है और इत्मीनान है, दिखाया जा रहा है। क्या वे इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को लेकर ध्यान कर रहे हैं? क्या चंडीगढ़ में उनकी पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की, हत्या करते हुए पकड़ी गई, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं? पीएम के मन की बात कौन जान सकता है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री को देखकर लगता है कि वे तेजस्वी या राहुल के रोड शो से बिल्कुल परेशान नहीं है। क्या भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त है कि उन्हें समंदर की गहराई में ले जाने के लिए इतना तामझाम किया जा रहा है? कुछ ही दिन पहले तो लक्षद्वीप में उन्होंने समंदर में गोते लगाए, इसे स्नोर्कलिंग कहते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री खुद ही अपने फोटो और पोज से ऊब जाते हैं। वे हर समय नया नया एंगल, नया नया पोज खोजते रहते हैं। फाइटर प्लेन में भी उड़ान भर चुके हैं। ऐसे तो उनके लिए चांद पर उतर जाने के अलावा अब कोई दूसरी जगह नहीं बचती है। हाँ, अगर माउंट एवरेस्ट पर जाकर तस्वीर खिंचाने का इरादा हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर केदारनाथ के कृत्रिम गुफा में तपस्या तो कर ही चुके हैं, बाकी क्या है। प्रधानमंत्री की ये तमाम तस्वीरें अपने आप में किसी रोड शो से कम नहीं। जो जनता घर से नहीं निकलती है, वह भी दिन रात प्रधानमंत्री को ही अलग अलग मुद्राओं में देखते रहती है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी तस्वीरें नहीं होंगी जितनी प्रधानमंत्री मोदी की हैं। अनगिनत तस्वीरों का सातों महासागर बनाने के बाद भी एक एक तस्वीर के लिए वे सागर तल में बैठे नजर आ रहे हैं। यहां वे अकेले शांत नजर आ रहे हैं, मगर उनके समर्थकों की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। उनका भी वोटर फिक्स है, हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल तो सदा के लिए फिक्स हो चुके हैं। मगर एक सवाल है, जब सब फिक्स हैं तब प्रधानमंत्री इतना सब क्यों कर रहे हैं? हर दिन उद्घाटन, हर दिन भाषण, हर दिन विज्ञापन और हर दिन जनता को फ्री में राशन। विपक्ष के लिए चुनौती तो यही है कि जिस चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, अखबारों में एक बार नहीं कई बार लिखा जा चुका है कि मोदी सरकार 3री बार वापसी कर रही है, उसके बाद भी विपक्ष हताश नजर नहीं आ रहा, वह लड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने तेजस्वी यादव की जीत की भविष्यवाणी नहीं की है, जीत की भविष्यवाणी केवल बीजेपी की जा रही है। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, 2014 के बाद से मोदी के सामने इन लोगों ने लगातार बड़ी हार का सामना किया है। मोदी के पास जो आर्थिक संसाधन है, मीडिया है, मानव संसाधन है, इन नेताओं के पास उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। इसके बाद भी राहुल गांधी हर दिन कम से कम 100 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी 110 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस से कितने ही नेता टूटकर बीजेपी में चले गए, कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया, इसके बाद भी कांग्रेस के नेता सड़क पर हैं। हर लेख में यही लिखा जाता है कि इन सभी की हार की रात अभी बहुत लंबी है। मोदी को विजयी मानकर अंग्रेजी हिंदी के संपादक फाइनल जजमेंट लिख चुके हैं। यही नहीं, तीसरे कार्यकाल में मोदी को क्या क्या करना चाहिए इसका भी आइडिया दे रहे हैं। जिस मोदी ने 10 साल तक इन संपादकों के साथ एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वही संपादक मोदी को आइडिया दे रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे में विपक्ष के पास नए नए तरीके से संवाद करने के अलावा
कोई रास्ता नहीं बचता, उसे जनता के बीच जाना ही होगा और जनता से बात करने के नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ। ये जो मैंने अभी यादव जी के साथ किया, ये काम नरेंद्र मोदी जी देश के साथ कर रहे हैं। उधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, थाली बजाओ, फोन की लाइट जलाओ, ये मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब एक और आदमी आओ, ऊपर आ जाओ। ये भैया इसमें एक डंडा दो, ये भैया झंडा हटाओ। ये डंडा था इसको गाड़िया, अच्छा ऐसा डंडे को हाथ उठा, ये देखो भैया, ये हमेशा डंडा लिए, ये मोदी जी, मोदी जी, अडानी जी, अमित शाह जी, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये उसका डंडा है। अगर किसी ने ये चोरी बंद करने की कोशिश की तो अमित शाह डंडा मारेगा। अडानी जी लगे हुए, देखो कितना अच्छा सूट पहने, ये बेचारा गरीब जिसके जेब में से 24 घंटा पैसा छीना जा रहा है, पेट्रोल से पैसा छीना जा रहा है, बिना रोजगार नहीं दिया जा रहा, ये काम हो रहा है। अगर इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने किसी से बातचीत की होती तो हर संपादक, हर एंकर ट्वीट करता कि जनता से संवाद करने के मामले में मोदी का जवाब नहीं। वे विपक्ष के नेताओं की मास्टर क्लास ले सकते हैं, इसीलिए मोदी मोदी हैं, मगर राहुल राहुल हैं, तेजस्वी तेजस्वी हैं। उन्हें समझ लेना होगा कि अखबार और टीवी उनके लिए नहीं है, उन्हें ऐसी जगह अब नहीं मिलेगी। तेजस्वी की सभा में जनता आ रही है, क्या यह गौर करने की बात नहीं है? जिस नेता के चारों तरफ जांच एजेंसियों का पहरा हो, जब तक छापे पड़ जाते हों, पूछताछ के लिए दिल्ली बुला लिया जाता हो, कभी भी जेल भेज दिए जाने का खतरा हो, उस नेता को दिन रात डर से कांपना चाहिए और भाजपा में चले जाना चाहिए था, मगर वो जनता के बीच जाकर भाजपा को ही ललकार रहा है। यह बड़ी बात है। सवाल यह भी बड़ा है कि वोट मिलेगा या नहीं। पिछले विधानसभा चुनावों में तेजस्वी की सभाओं में इसी तरह लोग आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी के पक्ष में लहर है, मगर तेजस्वी सत्ता से दूर रह गए। इसके बाद भी तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार में पहले नंबर की पार्टी बनी, बीजेपी एक सीट कम पाकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर बीजेपी और जदयू की सरकार बन गई। इस बार गठबंधन टूट जाने के बाद भी राजद के पास भाजपा से एक सीट अधिक ही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का साथ आना बीजेपी को परेशान कर रहा था, अब नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ हैं। क्या तेजस्वी यादव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे? तेजस्वी के बारे में इतना तो कहा ही जा सकता है कि वे नीतीश की तरह बीजेपी में नहीं जाएंगे। अभी तक जो उनकी राजनीति रही है उससे ऐसा नहीं लगता, उनकी राजनीति या बयानों से या चुप्पियों से ऐसा नहीं लगता कि कमलनाथ की तरह कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। मिलिंद देवड़ा, अशोक चव्हाण की तरह बीजेपी में चले ही जाएंगे। वे बीजेपी में जाने के बजाय जनता के बीच जा रहे हैं। तेजस्वी ने 28 जनवरी को बिहार विधानसभा में कहा था, जब समय आएगा तब तेजस्वी आएगा। क्या उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ किसी तरह से इशारा कर रही है कि तेजस्वी का समय आने वाला है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।